सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, But if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation. And that's what they did. And that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।